वैसे तो जेड़ा बंदा ना जी शराब पी के तलवंडी साबो की धरती ते जावे, नित दा शराबी होवे, ठीक है जी। और जेड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हाजरी च पैग ला के चले जावे, ओहो जे दा की ओ बोल रहा की नहीं बोल रहा, उहदी तुसीं भी बाली परवाह ना करिया करो। नहीं, सीएम बन गया, गलती हो जाती है बंदे को, मगर कि तुसी उहदी हरकतां नाल सहमत हो? जेड़ा शराब पी के जहाज ना चढ़ सकिया, कि तुसी भी थोड़ा महसूस तो नहीं करते उन्हें चंगी बेइज्जती कराउण दिया? पंजाब पंजाब पुलिस जिहड़ी साडी इनफोर्समेंट एजेंसी है, अज उहदे उत्ते इन्ना ज़्यादा दबाव जिस कदर उहदी वरतों की जा रही है। हाँ जी, इतों तक कि उन्होंने सीधे कहा जाता कि नौकरी करनी है कि घर में जाना। साली साहबां दी आई रिकॉर्डिंग सुनी है? नहीं सुनी, सुना दी नहीं तुम? मैं कहा जिहड़े फुल पाए आ साड़ी भैन ने, हाँ जी, उ घटो घट सुन लगे, शर्म आऊगी बंदे। हाँ जी, कि जो आपके बच्चों ना इतों तक कर सकता है कि उन्होंने कहते तितरी हो जा, मेरी घरवाली नाराज होंगी है, घर चुन बेचारे मंजे से बैठे उठा के घलता उतो मुख्यमंत्री के घर चुन आपके बच्चे। सी एम साहब न पहला सिख परंपरावान पढ़ लेनिया चाहिए, शायद 103 साल अकाली दल से श्रोमणी कमेटी के इतिहास तो वाकब नहीं गए। श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी कमेटी एक दूए दियाँ पूर्क तो श्री अकाल तख्त की सरपरस्त चलन वाली जथेबंदियां आ, किंतु परंतु करने वाले बहुत है, इन्हों अपने पिछोकड़ पिछे झाक मार लेनी चाहिए आ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी के उत्ते मुख्यमंत्री भगवंत मान के वलों जो ट्वीट किया गया, इस तो बाद पंजाब दे विच सियासत गरमा गई है। उत्ते हुण एजीपीसी प्रधान ने सीएम मान नूं सलाह दी है, उन्होंने कहा कि जो तुहानूं कोई जानकारी ही नहीं, सिख मर्यादा का अध्ययन करना चाहिए है। उन्होंने कहा कि श्रोमणी कमेटी और श्रोमणी अकाली दल के 103 साल पुराने इतिहास बारे तुहानूं नहीं पता। सीएम साहब नूं पहला सिख परंपरावान पढ़ लेनिया चाहिए, शायद 103 साल अकाली दल ते श्रोमणी कमेटी के इतिहास तो वाकब नहीं गए। जिहड़े साडे बजुर्ग सीगे उन्हें पहला श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अकाल तख्त की सरपरस्ती से अरदास करके बनाई, फिर उस ही एक महीने तो बाद उन्होंने श्रोमणी अकाली दल बनाया सी। श्रोमणी अकाली दल ते श्रोमणी कमेटी एक दूए दियाँ पूर्क ते श्री अकाल तख्त की सरपरस्ती चलन वाली जथेबंदियां आ, किंतु परंतु करने वाले बहुत है, इन्हों अपने पिछोकड़ पिछे झाक मार लेनी चाहिए आ। ये पवित्र मीरी पीरी का सिद्धांत गुरु साहब ने सानू पाया, इदा दी गल्लां कई बार फिर होंदियां इह जिहड़े बखलाजां दा बंदा फिर बखलाड़ दे विच इहदे गल्लां कर। दूजे पासे श्रोमणी अकाली दल के बुलारे विरसा सिंह मलटुआ ने भी मुख्यमंत्री भगवंत मान के ट्वीट की निखेधी की है। उन्होंने कहा कि पंजाब की बदकिस्मती है कि इस मामले से पिछले 7 साल तो राजनीति की जा रही है, तो अजिहे शब्द कह के पंजाब के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। देखो, यही बदकिस्मती पंजाब की कि हूँ तक पिछले 7 साल तो सियासती की शब्दों का अजिहा प्रगटावा कर करके लोगों गुमराह किया गया, सिख संगत को साढ़े पंजाबियों गुमराह किया गया, समुची दुनिया च जिहड़े गुरु नानक नाम लेवा ने उन्होंने गुमराह किया गया। जिहड़ी बेअदबियां दे केस ने उन्हां दी बकायदा एक सिट बनी सी, जिहड़ी इनवैसटीगेशन टीम बनी सी, हाई कोर्ट ने बनाई सी आई जी एस पी एस परमार की अगवाई दे थले, उन्होंने समुची पड़ताल करन तों बाद, जांच करन तों बाद, इनवैसटीगेशन करन तों बाद चलान भी टू कोर्ट करता, सैशन कोर्ट फरीदकोट च चलान दे दिता और उहदी एक कापी बना के चलान दी, जिहदे अखीर ते लिखिया आ कि इस केस दे विच होर जांच करन दी लोड़ नहीं, जांच मुकम्मल है। वह जिहड़ी कापी है जदों सरकार बनी भगवंत सिंह मान दी, मेरा ख्याल कि महीने के दे विच ही जिहड़े एस पी एस परमार ने वह पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नूं दे गए, उहदे विच एक शब्द दिखा दिओ जिथे किते भी बेअदबी दे नाल अकाली सरकार दा, अकाली लीडरशिप दा, सरकार दे विच बैठे हुए लोगों का कोई संबंध जुड़ता हो। हुण मैं पूछना चाहना है कि जो बेअदबी गुरद्वारा कोतवाली साहब मरिंडा च हुई है वह बेअदबी नहीं? जिहड़ी बेअदबी कल गुरदासपुर च हुई है वह बेअदबी नहीं? जिहड़ी बेअदबी 3 दिन पहलों गोलेवाला, शायद गोलेवाला पिंड ही है मोगे च, जिहड़ी एक कार दे विच, हाँ जी, एक विशेष भाईचारे के लोग जिहड़े ने
गुटका साहब के अंग खिलारते जाते हैं। हाँ जी उस भाईचारे नाल संबंधित ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता। हाँ जी वो बेअदबी नहीं, गल तो यह है कि इन लोगों ने पंजाब की लोगों को इंसाफ देने की थान पर केवल तो केवल गंदी सियासत की। साड़ी हथ बन के बेनती है इंसाफ दो, सरकारां दा फर्ज बनता इंसाफ देना। और जिहड़ियां एजेंसियां ने, साड़ी है पंजाब पुलिस जिहड़ी साड़ी इनफोर्समेंट एजेंसी है, अज उहदे उत्ते इन्ना ज़्यादा दबाव जिस कदर उहदी वरतों की जा रही है। हाँ जी इत्थों तक कि उन्हां नूं सीधे कहा जाता कि नौकरी करनी है कि घर नूं जाना कि जेल च जाना। हुण किहड़ा चंगा भला IPS जां IAS होवे तो वह कह के पता नहीं इहदा कमरे का मैनूं इत्थे तोर ही ना दिंदा होवे। हाँ जी क्योंकि जजी जी की घरवाली ना नहीं बनी हूँ उस पास नहीं मैं जाना चाहता। मेरा ख्याल हूँ वो साली साहबां की आई रिकॉर्डिंग सुनी है कि नहीं सुनी, सुना दी नहीं तू। मैं ख्या जे फुल पाए साड़ी भैन ने, हाँ जी उ घट्टो घट सुन लगे, शर्म आऊगी बंदे। हाँ जी कि जोड़ा आपके बच्चों ना इतों तक कर सकता है कि उन्होंने कहें तितरी हो जा, मेरी घरवाली नाराज़ होंगी है घर चो उन्होंने बेचारे मंजे पर बैठे उठा के घलता उतों मुख्यमंत्री के घर चो आपके बच्चे कि मुंडे का नाम दिलशान है शायद। हाँ जी तो तुम दसो वो लोगों का किन्ना कम दर्द होगा। इस करके जोड़ा यहोजी की गल यार गल ही छड़ी हूँ ये तो हूँ आप बा बला सेड़ ली हूँ चार साल अजे होर चलना पैना। नाल ही बिक्रम सिंह मजीठिया ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के उत्ते तिखे शब्दी वार किए ने। वैसे तो जोड़ा बंदा ना जी शराब पी के तलवंडी साबो की धरती से जाए नित का शराबी हो, ठीक है जी। और जेड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हाजरी च पैग ला के चले जाए वह जे का की वह बोल रहा की नहीं बोल रहा उसकी तुम भी बाली परवाह ना करा करो। तुम वैसे कोई शराब पी के आ जाए गल तो मैंने पता लगे तुम भी नहीं सुनते उसकी बड़े ध्यान न सुन दौ अपने मामे का पुत थोड़ी है यार ऐ ना ना करो ठीक है। नहीं CM बन गया गलती हो जाती है बंदे को मगर कि तुम वो हरकतों सहमत हो कि तुम समझते हो कि BMW के उत्ते जो उन्हें आपकी स्टेटमेंट दिती या लॉरेंस बिश्नोई जे उन्हें आपकी स्टेटमेंट दिती या गोल्डी ते जो स्टेटमेंट दिती या जेड़ा शराब पी के जहाज ना चढ़ सकया कि तुसी भी थोड़ा महसूस तो नहीं करते हो नहीं चंगी बेइज्जती कराउण दिया पंजाब की महसूस तो तुसी सारे करते हो ना अतवस नहीं हौली हौली अत ऐतकी लग ही जाने संगरूर वालिया ने पहला काम सूत्र करता ऐतकी तू ही कर देना मन थोड़ा भी किसी का नहीं उन्होंने पाने ठीक है मजबूरी हो जाती कई बार सवाल सवूल पूछना। हुण वेखना होवे कि 10 मई नूं होण वाली जनरल जिमनी चोण च किहड़ी पार्टी जित प्राप्त करदी है, 13 मई नूं किहड़े पार्टी दा किहड़ा उम्मीदवार जित प्राप्त करके 2024 दीआं चोणां लई पंजाब च बिगल मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। निडर हां निरपक्ष हां आजाद हां सच कहां गल करांगे सियासी हवा दी होणगे हुकमरानां नूं सिद्धे सवाल सब तो पहलां पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल कनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल उभरांगे पंजाब दी आवाज बन होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे खोलांगे अंदरूनी राज बणांगे बुलंद आवाज खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे हर पिंड हर शहर जावांगे मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार की करदी है साडी सरकार की है तुहाडी मुश्किल दा हल D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर D5 चैनल पंजाबी अपनी धरती अपने लोग ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।